गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं जहां हम जानेंगे कि आज हम एडेनियम के सीडलिंग्स को कैसे रिपोर्ट करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होगा इन चीज़ों को रिपोर्ट करने में। देखिए, आज हमारे पास के सीडलिंग्स है जिन्हें मैंने सीड से ग्रो किया था 2 महीना पहले। तो देखिए आप ग्रोथ कैसे हो गई है इन चीज़ों का, तो काफ़ी मोटा मोटा हो गया है। तो अब हमको लगता है कि अब इन सबका रिपोर्टिंग मुझे करना चाहिए। तो रिपोर्ट करने के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट होगा, सबसे पहले हम लेंगे ये है जैविक खाद, जिसे वर्मी कंपोस्ट भी बोलते हैं। ये राइस खस्क है और ये रिवर सैंड और ये है सिंडर, या फिर आप चारकोल भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे जो ऑप्शनल है लेकिन मिलाना चाहिए आपको। ये हॉर्न मिल है, जो जानवरों का सिंग का चूड़ा जिसे कहते हैं हॉर्न मिल। ये बोन मिल पाउडर है और ये नीम के खली, नीम के पाउडर और ये कुछ फंगिसाइड। ये मैंकोजाइब करके आता है 75% WP इंडो फिल M45 फंगिसाइड है। ये बहुत अच्छा फंगिसाइड है फ्रेंड्स। तो आज हम सबका रिपोर्टिंग करके आपको दिखाएंगे। इन सबको सबसे पहले मिक्स कर लेना होगा हमें इंग्रेडिएंट्स को, उसके बाद आपको हम रिपोर्टिंग कैसे करते हैं वो दिखाते जाएंगे। हाँ फ्रेंड्स, देखिए हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला के रख लिया है, जिसे एक साथ हमने मिला के रखा। काफ़ी भुरभुरा और अच्छा मतलब सॉइल मीडिया बना है, जो कि पानी इसमें रुकेगा भी नहीं, एक भी नहीं रुके। देखिए मुट्ठी बंद करने से आराम से निकल जाता है। इसी तरह का सॉइल मीडिया हमें बनाना है, इसीलिए हमने इन चीज़ों को ऐड किया है। तो चलिए हम इन सब का धीरे धीरे करके सारे सीडलिंग्स को निकालेंगे। और हमने ये डिस्पोजेबल ग्लास यूज़ किया है अभी स्टार्टिंग में, जिसके नीचे हमने होल किया है। तो इसके नीचे हम सॉइल मीडिया को भरते जाएंगे और फिर इसमें ये करते जाएंगे। चलिए निकालते हैं एक एक करके, बहुत ध्यान पूर्वक निकालना होगा फ्रेंड्स, इसका रूट्स डैमेज ना हो जाए, क्योंकि इसे हमें सॉइल समेत निकालना है। काफ़ी ज़्यादा ये है, इसे बहुत ही ध्यान से निकालना होगा हमें। देखिए रूट्स काफ़ी ज़्यादा फैल गया है, इसे चारों कोना से हम खुरपी की सहायता से निकाल रहे हैं, क्योंकि एक भी डैमेज हो गया तो फिर दिक्कत है। देखिए ये कितना अच्छा रूट्स इसका डेवलप हुआ है, ये देखिए इस तरह से। तो हम सबसे पहले एक एक करके यहाँ सॉइल्स मीडिया से हटाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमें मिट्टी समेत लेना है, क्योंकि बरसात का दिन है तो फिर फंगस का ये अटैक हो सकता है। इस तरह से हम निकालेंगे सबको। हाँ फ्रेंड्स, तो देखिए हमने ये डिस्पोजल ग्लास को छेदा किया हुआ है। तो इसमें सबसे नीचे में हम ये डालेंगे, सिंडर मीडिया डाल देंगे हल्का सा, ड्रेनेज होल में इफेक्ट ना करें। तो देखिए हमने ये सब इतना सारा डिस्पोजेबल ग्लास में हमने ये सिंडर भर दिया है। अब हम एक एक करके मीडिया को लेंगे और इसमें भरेंगे और इस तरह से हम लेंगे। तो देखिए यहाँ प्लेस करेंगे और फिर इससे हम ऐसे फिल कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी इजी है, कोई भी कर लेगा। इसे अच्छे से थोड़ा फिल करेंगे, ये देखिए सॉइल मीडिया काफ़ी अच्छा है तो ड्रेनेज हमारा प्रॉब्लम इशू नहीं करेगा। इसे हम थोड़ा थोड़ा हल्के हाथों से दबा देंगे। ये रहा एक ठो हमारा फिल हो गया। इसी तरह से हम और भी लेंगे। देखिए ये हमने ऐसे प्लेस किया मिडिल में, इसके बाद इसे ऐसे ऐसे भरते जाना है।
उसके अंदर में ज़्यादा पानी स्टोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने अभी नया नया रिपोर्ट किया है इसमें। इस तरह से देखिए दो रिपोर्ट हो गए। हम इसके रूट बॉन्ड को डिस्टर्ब किए बिना हमें इसे रिपोर्ट करना है, ताकि एकदम से नया सॉइल आने से इसमें कुछ रूट रॉट ना हो जाए, क्योंकि वैसे भी बरसात का समय चल रहा है, तो हमें अपने सीडलिंग्स को बारिश से भी बचा के रखना है। पर मैंने इसे पूरे बरसात और समर बाहर ही रखा। अब जितना ज़्यादा इसे अंदर बाहर करेंगे, इसे जगह से प्लेस करेंगे, हटाएंगे, तो इसमें फंगस आने का खतरा रहता है, इसलिए जो जगह जहाँ पर से वहीं प्लेस कर दीजिए। फंगीसाइड हमने ऑलरेडी दे चुका है, तो उतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, स्ट्रॉन्ग। देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे सीडलिंग्स को रिपोर्ट कर दिया है इस मीडिया में, जो कि काफ़ी अच्छे प्लेस हो गए हैं मिडिल में। अब इनका ग्रोथ और अपडेट देखने के लिए हमें और 2 महीना के बाद आपको हम जरूर से दिखाएंगे कि इसका ग्रोथ कैसा हो रहा है। होप आपने इंजॉय किया है हमारे एडेनियम के सीडलिंग्स को, कैसे हम ग्रो करें, कौन सा मीडिया डालें। और वैसे बरसात का टाइम है, हमें ज़्यादा पानी इस पर देना नहीं, खाली बीच बीच में फंगीसाइड का स्प्रे हमें करना है। और आज हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, इसमें हम 2 दिन के बाद पानी डालेंगे, पर अभी हमें इन्हें बरसात से बचाना है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। होप आपने इन्जॉय किया होगा और नया कुछ सीखा होगा। चलिए, राम गार्डन को इसी तरह से सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, और मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मुझे नया नया वीडियोस बनाने में मोटिवेशनल मुझे मिले। और चलिए दोस्तों, आज के साथ हम इस वीडियो का अंत करते हैं। होप आपने इन्जॉय किया इस वीडियो को। चलिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।